यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। भारत धर्म निरपेक्ष देश है और भारत देश में अनेक धर्म के लोग रहते हैं और उन्हें धर्म मानने की स्वतंत्रता है, वो अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ये भारत में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं उनको ये आज़ादी दिया गया है। लेकिन राजस्थान के उदयपुर जिले में एक घटना घटी थी। कन्हैया उनका नाम था, जो हिंदू भाई थे, उन्होंने निपुण जो शर्मा है उनका समर्थन किया था, एक पोस्ट किया था, जिसके कारण से दो मुस्लिम व्यक्तियों ने हिंदू भाई की गला काट कर हत्या कर दी गई। देखा जाए तो बहुत ही एक बड़ा अपराध है। गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। तो उदयपुर में जो घटना घटी थी, स्थानीय बिशप ने इसके बारे में क्या कहा है और मसीही लोगों के बारे में भी क्या कहा है, क्योंकि मसीही लोगों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। लेकिन वचन हमें बताता है, निर्गमन हम 20 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी, उसमें से एक आज्ञा है, तू हत्या ना करना, तू खून ना करना। ये परमेश्वर की ओर से सख्त मना है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं और आज मनुष्य की हत्या कर रहे हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय 15 कलम में पढ़ते हैं, तो जो हत्यारे हैं, जो हत्या करने वाले हैं, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। स्वर्ग राज्य में उनका कोई भी स्थान नहीं है, उन्हें अंत में रोना और दांत पिसना होगा। तो भारतीय धर्माध्यक्ष ने सिर कलम करने के बाद शांति की अपील की। एक भारतीय बिशप ने देश में मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा एक दर्जी का सर काटने के बाद हिंसा के बजाय शांति की अपील की। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के एक राजनेता के समर्थ में सोशल मीडिया पर कथित रूप से ले जाने के बाद हत्यारों ने उनकी ही दुकान में दर्जी को निशाना बनाया। राजनेता ने मई में टेलीविजन पर अपने पैगंबर मोहम्मद के बारे में नकारात्मक बयान दिया था, जिससे मुस्लिम समुदाय काफ़ी नाराज थे। इस दर्जी की हत्या मई के टेलीविजन विवाद से उपजे हिंदू राष्ट्रवादियों और मुसलमानों के बीच बढ़ते तनाव का सबसे हालिया और भीषण परिणाम है। चौंकाने वाली बात यह है कि अपराधियों ने दर्जी के सर काटने जाने को रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया में इसको वायरल भी कर दिया। वीडियो में दिखाए गए हत्यारों को पुलिस ने जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया है। जिस भारतीय बिशप ने शांति की अपील की थी, वह इस घटना का स्थानीय निवासी है। उन्होंने कहा है, यहाँ उदयपुर में ईसाई समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में मैं सभी समुदाय के बीच शांति और सद्भावना की अपील करता हूँ। हम सभी समुदाय के बीच धार्मिक सहिष्णुता, संवाद और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए खड़े हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बीच सद्बुद्धि बनी रहे। हाल के दिनों में ईसाइयों ने भारत में धार्मिक हिंसा और असहिष्णुता के खिलाफ लगातार और ठोस प्रयास किए हैं, जो कि प्रचलन में बढ़ रहे हैं। ईसाई विशेष रूप से आंशिक रूप से प्रेरित होते हैं, क्योंकि वे स्वयं आमतौर पर ऐसी हिंसा और असहिष्णुता के लक्ष्य होते हैं। भारत में ईसाई विरोधी उत्पीड़न की समस्या इस हद तक बढ़ गई है कि ईसाइयों का एक गठबंधन इस मामले को सुनवाई के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भी ले जा रहा है। जैसे कि इस सप्ताह की शुरुआत में इंटरनेशनल क्रिश्चियन कंसर्न ने रिपोर्ट किया था, हिंदू दर्जी के मुस्लिम हत्यारे को गिरफ्तार किया गया है। यह निश्चित रूप से भारत सरकार द्वारा एक उचित प्रक्रिया है। दुर्भाग्य से सरकार ईसाई पीड़ितों की ओर से कार्रवाई करने के लिए इतनी जल्दी नहीं है। जो मसीह लोगों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, सताव हो रहा है, उनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रार्थना करते हैं कि यह भेदभाव समाप्त होना चाहिए और भारत सरकार अपने ईसाई समुदाय की सेवा और रक्षा करना चाहिए। तो इन लोगों के ऊपर भी काफ़ी उत्पीड़न हुआ है और कई मसीहों की हत्या कर दी गई है, लेकिन उनके खिलाफ अभी भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। सब को बराबर लेकर चलना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए।